हेलो फ्रेंड्स, तो हम आपके लिए लेके आए हैं आज बजाज पल्सर 150। जैसा कि आपको पता है कि पल्सर काफ़ी ज़्यादा फेमस बाइक है। ये तीन इंजन के साथ में अपने को मिलती है, 125, 150 और 180। 180 को भी बंद कर दिया गया है, लेकिन 150 और 125 अभी तक भी अपने को मिल रही है। बात करेंगे 125 की प्राइसिंग के बारे में, तो लगभग अपने को 1 लाख रुपये के अंदर अंदर ये गाड़ी मिल जाएगी। बात करेंगे 150 की, तो ये 1,25,000 रुपये में अपने को मिल जाएगी। तो आप फर्स्ट में इसकी की देख सकते हो, जैसा कि पहले की आया करती थी उसी प्रकार की किया आज भी अपने को मिलती है। उसके अलावा इसके अंदर अपने को सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और काफ़ी बल्कि सा अपने को फ्रंट लाइट मिल जाती है, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी और बिल्कुल हैलोजन बल्ब के साथ में मिलती है। इस गाड़ी के अंदर अपने को LED सेटअप वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। उसी के साथ साथ अपन बात करें तो इसके अंदर अपने को पाइलेंट लैंप भी मिल जाते हैं, जो कि नॉर्मल बल्ब के साथ में रहने वाले हैं। इंडिकेटर भी अपने को नॉर्मली ही इसमें मिलते हैं। उसके अलावा फ्रंट में बात करें तो फ्रंट के अंदर अपने को 260 mm का डिस्क ब्रेक, 90-90R17 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, जो कि MRF का टायर रहने वाला है। बाकी आप अलॉय व्हील सस्पेंशन देख सकते हो, काफ़ी हैवी सस्पेंशन मिलता है जो कि आपके सामने है। उसके अलावा रिफ्लेक्टर मिल जाता है और अलॉय व्हील के ऊपर अपने को ग्राफिक मिल जाते हैं। तो काफ़ी मतलब कि ये बेसिक सी गाड़ी रहने वाली है। इसके अंदर अपने को ज़्यादा फीचर वगैरह नहीं मिलते हैं, लेकिन जो बंदे इसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं उनको पता है कि इसका रुतबा कैसा क्या रहा हुआ है। उसके अलावा इसमें अपने को सिंगल चैनल ABS मिल जाते हैं। बात करें गाड़ी के वर्जन की, तो तीन वर्जन के साथ में अपने को ये मिलती है, जिसमें एक अपने का बेस वेरियंट रहने वाला है। उसके अलावा इसमें एक डबल डिस्क और एक सिंगल डिस्क का ऑप्शन रहने वाला है। जो बेस वेरियंट है उसके उसमें अपने को अपने टैंक के ऊपर काउल वगैरह भी नहीं मिलने वाले हैं। बाकी आप देख सकते हो मट वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी फिनिशिंग इस गाड़ी के अंदर दे रखी है। पल्सर की ब्रांडिंग मिल जाती है 3D के अंदर, और जो पहले का लुक था वो कंपनी ने बरकरार रखा है, क्योंकि काफ़ी लोग इस गाड़ी को पसंद करते हैं। बात करेंगे कलर की, तो कलर आप देख सकते हो कितना सरफेस कलर इसमें अपने को दे रखा है। 15 लीटर का इसमें अपने को फ्यूल टैंक मिल जाता है। बात कर ले माइलेज की, तो वो अपने को लगभग लगभग 45 से 50 तक का माइलेज ये दे देती है। ड्यूअल सीट मिल जाती है, और जो इसके ग्राफिक हैं कार्बन फाइबर डिजाइन के अंदर, जो काफ़ी अपने को लुकिंग को इन्हेंस इसके कर देते हैं। बाकी आप देख सकते हो गाड़ी कितनी प्यारी लगती है, और काफ़ी स्पोर्टी बाइक ये रहने वाली है। ये 125 cc वाला मॉडल है, जो जिसका आप ग्रे कलर देख सकते हो वो भी कितना प्यारा है। और 125 cc अपने को लगभग 97,000 के में पड़ जाएगी। तो ये आपके सामने है। 125 और 150 के अंदर ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं मिलने वाला है। 125 के अंदर अपने को किक का ऑप्शन भी मिल जाता है, बाकी इसके अंदर अपने को किक का ऑप्शन नहीं मिलता। 150 cc का इंजन मिल जाता है, जो कि लगभग 13.8 BHP की पावर अपने को दे देता है। इसके अंदर अपने को एयर कोल्ड इंजन मिलता है, जो कि BS6 सेकेंड फेस E20 इंजन रहने वाला है। इंजन गार्ड मिल जाता है, जो कि ABS क्वालिटी में रहने वाला है। 5 गियर का ऑप्शन मिल जाता है। साइड स्टैंड एंड मेन स्टैंड दोनों का ऑप्शन इसमें मिल जाता है। साइड स्टैंड अपना नॉर्मली ही इसमें मिलता है। बाकी बात करें फुटरेस्ट, बाकी लुकिंग के हिसाब से कंपनी ने जो पहले आया करती थी सेम वैसे ही रखी हुई है। इसके अलावा अपन बात करें गाड़ी के रियर टायर की, तो रियर टायर भी अपने को MRF का ही मिलने वाला है, और जो अपना चेचिस है वो अपने को ब्लैक कलर के अंदर कर दिया गया है। चैन आप देख सकते हो। उसके अलावा बात करें रियर सस्पेंशन की, तो हाइड्रोलिक सस्पेंशन एडजस्टेबल वाला अपने को सस्पेंशन इसमें मिल जाते हैं। लेडीज़ गार्ड मिल जाते हैं, उसी के साथ साथ 150 की यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाती है। ओवरऑल अपन बात करें गाड़ी के पैकेज की, कि आज के टाइम में ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, तो 1,25,000 रुपये से ये स्टार्ट होती है। अपन इसकी बात करेंगे अब कि आज के टाइम में इसके कंपैरिजन में और भी कई बाइकें आ रही हैं, जो कि आपको जैसे पता है 150 cc के इंजन के हिसाब से बात करें तो जैसे अपाची हो गई, P150 हो गई, उसके ऊपर अपने को 10,000 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है। उसके अलावा बात करें यामाहा के अंदर, तो अपने को FZ मिल जाती है इसके मुकाबले के अंदर। और बात करें राइडर, जो कि 125 cc इंजन के साथ में आती है, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। उसके अलावा बात करें इसी बजाज में, तो बजाज के अंदर अपने को NS हो गई, N हो गई, P हो गई,
ये बाइक की भी अपने को मिल जाती है 150 सीसी के हिसाब से, लेकिन जो इसके लवर हैं, जो इसके फ्रेंड हैं, कि इनको 150 सीसी के अंदर अपने को जो ओल्ड पल्सर आती है वही लेनी है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी बाइक ये है, क्योंकि जिनको ये पसंद है तो वो गाड़ी यही खरीदेंगे। बाकी आज भी DTSI की इंजन की ब्रांडिंग के साथ में अपने को ये गाड़ी मिलती है, तो आप देख सकते हो ओवरऑल लुक इसका कैसा क्या है। डुअल सीट इसमें मिल जाती है, सिंगल सीट अपने को 125 सीसी में मिलती है। तो ये हमारी जानकारी थी। इसके अलावा हम बात करें स्पीडोमीटर की, तो वो अपने को सेमी डिजिटल में मिलता है। जो अपना RPM है वो अपने को एनालॉग मिलता है। बाकी जो इसके फीचर हैं जैसे ऑडोमीटर हो गया, अपना स्पीडोमीटर हो गया, वो चीज़ें अपने को डिजिटल मिलती है। ब्लूटूथ वगैरह का कोई ऑप्शन इसमें अपने को नहीं मिलने वाला है। उसी के साथ साथ अपन बात करें चार्जिंग की, तो चार्जिंग भी इस गाड़ी के अंदर अपने को नहीं मिलने वाला है। उसके अलावा हम बात करें गाड़ी के टॉप एंड स्पीड की, तो ये लगभग 110 तक के अपने को टॉप एंड स्पीड दे देती है। उसके अलावा कर्ब वेट की बात करें तो 148 केजी का इसमें कर्ब वेट रहने वाला है। तो ये हमारी आपको जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।